मैं बहुत बड़ा और कैसी हूँ। तुम जहर मौसम एकदम खतरनाक। ये जो है स्ट्रोम है, ये हाल हो रहा है घरों में भाई। मौसम के चक्कर में जो आज पूजा में देर होगी। झंडे बाबा मौर्या, मौसम में पकौड़ी ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पकौड़ी हमारी बनना शुरू हो चुकी है। कैसी लग रही है पकौड़ी? हमारे यहाँ से चमकते हैं पहाड़ हिमाचल वाले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है सैटरडे और कल है संडे, तो 2 दिन की मनु और दक्ष की छुट्टी है क्योंकि मनु के एग्ज़ाम ख़त्म हुए अभी। तो मैं भी आज थोड़ा लेट ही उठी हूँ, वो लोग तो अभी सो ही रहे हैं। मैंने भी सोचा कि आज छुट्टी का मज़ा लिया जाए, आराम से उठो। मैं भी बस अभी उठी हूँ और अभी मैंने सोचा है कि चलो आज मैं जल्दी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ क्योंकि वो सब तो सो रहे हैं अभी। तो आज मैं सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद बाथिंग करूँगी। बल्कि अभी मुझे इन्हें उठाना भी है क्योंकि इन्होंने बोला था मुझे 7 बजे उठा देना, मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, नीचे एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन मैं गया नहीं, मैं बहुत बड़ा और कैसी हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ तीनों कैसे सो रहे हैं। हमारे कान्हा जी भी अभी स्लीपिंग मोड में हैं, तो हमने आपको अपने कान्हा जी से तो मिलवाया ही नहीं है, तो हम आज आपको अपने कान्हा जी से भी मिलवाएंगे। तो जब मैं नहा लूँगी तब उसके बाद मैं उन्हें बातें कराऊँगी और उठाऊँगी। तो चलिए जी, चलते हैं हम अपने काम पे, फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। यस, हमारा मिल्क आ चुका है, ये रखा हुआ है। तो मिल्क मैं ले आई हूँ बाहर से, तो चलिए उन्हें उठाते हैं, देखते हैं वो उठते हैं नहीं उठते एक बार में। भाई साहब, अपने आप को पहली बार उठते हुए मन ने देखा है, तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, गजब का, सुपर। थैंक यू माय वाइफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आपका हम इस एक और नए ब्लॉग में। तो आज है दिन सैटरडे, शनिवार है, आज छुट्टी है हमारी, मेरी, मन्नू की, दक्ष की, और दिन की शुरुआत हो ही चुकी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखिए गाइस, कितनी मस्त जगह बैठा हूँ मैं अभी। मौसम एकदम से झकास हो रहा है, सुबह ही सुबह ऐसा मौसम दिख जाए तो बल्ले बल्ले बल्ले। और हमेशा की तरह नीचे मीटिंग चली रही है, मौसम बहुत सुहाना है। 8:30 होने वाले हैं और फिर गणेश जी की आरती करेंगे। तो बच्चे बाहर आ चुके हैं उठ के, ये दोनों उठ गए थे, अभी इन्हें खेलने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। आज दक्ष जो है सामान लेके आ रहा है अपना खिलौने। चलो दिखाओ आपके खिलौने कहाँ पे हैं, जल्दी से दिखाओ कहाँ हैं। चलो 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 चलो, कहाँ पे रखे आपके सारे खिलौने? अरे ये तो सारे नीचे पड़े हैं, इस टेबल पे थे दक्ष के सारे खिलौने। यस, और बच्चों ने खिलौने जो है बाहर रख दिए हैं, 2 खिलौने बस ये रहे। तो भाई दक्ष बोल रहा है कि पापा जी पहले आप बनाओ उसके बाद मुझे देना ट्राईपोड। तो अभी अपने खेल खिलौने ढूंढ रहे हैं यहाँ से और ये लेके जाएंगे बाहर। इनके भी दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये देखे सारे खिलौने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए उन्होंने। चल रही है पूजा करने की तैयारी, आरती वगैरह की, गणेश जी बैठे हैं इधर, हमारे सारे भगवान जी हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ, तेल लगाने की फुर्सत नहीं मिली बिकॉज ऑफ दिस, मौसम खतरनाक वाला हो चुका है गाइस। एकदम से मौसम कितना कितना नहीं, बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल अंधेरा, ओह माय गॉड, जैसे नाइट होने वाली है। और आप भाई साहब, खतरनाक वाला मौसम, खतरनाक वाला मौसम, जहर मौसम एकदम। सुपर है भाई साहब, खतरनाक, ओ भाई साहब। तो अब गाइस ये जो है स्ट्रोम है, इसको तूफान, बहुत ही खतरनाक वाले बादल। और भाई साहब जिसका मैं इंतजार था वो ही हो गया, घर की जो है लाइट चली गई, ये तो आ भी गई यार, यहाँ नहीं मौका देती भाई। 9 बज चुके हैं, है ना, बिना लाइट के ये हाल हो रहा है घरों में, बिल्कुल कालबोल अंधेरा। और इस कमरे में तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही। बाकी मैं आपको एक बार बाहर दिखा देता हूँ, वाह कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि नाइट हो गई, बहुत ही डेंजर वाला मौसम बन गया। मौसम के चक्कर में जो आज पूजा में देर होगी, 9:15 हो चुके हैं, अभी तक गणेश जी की आरती नहीं करी और फाइनली बारिश शुरू हो चुकी है। अभी हम आपको दिखाएंगे पूजा करने के बाद, क्योंकि और ज्यादा लेट नहीं कर सकते, पहले से ही लेट है। तो गाइस आरती हमारी पूरी हो चुकी है गणेश जी की, हमेशा की तरह हम धूप दे रहे हैं पूरे घर में। चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
बोलो गणपति बाबा मोरिया मोरिया। कौन से भगवान जी आए हैं? नाम इनका गंदे बाबा मोरिया। गंदे बाबा मोरिया तक की जो है गणपति बाबा को बोलता है गंदे बाबा मोरिया, आपने सुना ही होगा। और अभी तक अंधेरा छाया हुआ है, बट कंपेयर टू बिफोर, अंग्रेजी छोड़ो यार, हिंदी पहले से बेहतर है। अभी आप देख पा रहे होंगे चांद आ गया। तो जैसा आपको पता ही है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, रेनी डे, और आज है सैटरडे भी, तो छुट्टी है। और ऐसे मौसम में पकौड़ी ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मौसम को देख के एकदम प्लान चेंज हो गया, तो हमने सोचा कि पकौड़ी बना ली जाए। तो पकौड़ी की तैयारी हो चुकी है हमारे किचन में, तो चलिए बनाते हैं पकौड़ी और आपको भी खिलाएंगे। तो सभी तैयारी के बाद पकौड़ी हमारी बनना शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। तो ये पकौड़ियाँ निकल के बाहर आ गई हैं और रेडी हो चुकी हैं। दो प्लेट मैंने लगा ली है कान्हा जी के लिए और एक गणेश जी भगवान जी के लिए, बाकी सब भगवान जी के लिए भी है। ये रही पकौड़े गाइस, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये पकौड़ी। चल रही है पकौड़ी, कैसी लग रही है पकौड़ी? अच्छी बनी है? तो खाओ, इंजॉय करो बारिश के मौसम को पकौड़ियों से। तो गाइस फाइनली हमारी अच्छे वाली पकौड़ी बन चुकी है, जो कि है इस वाले बॉक्स में। अभी बन रही है बच्चों के लिए स्पेशल आलू काट के पकौड़ी, अच्छी फ्रेंच फ्राई टाइप से है। और मौसम बाहर का कुछ ऐसा हो गया, अब बारिश रिमझिम पड़ी रही है, तो काफ़ी बेहद खूबसूरत मौसम हो रहा है, ठंडा। लो भाई फाइनली बरसात के मौसम में पकौड़े रेडी है, आ जाओ और खा लीजिए। मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं डरते चूहे के डर से, तो शायद वो चला गया है। गाइस पकौड़ी खा के ना बहुत हल्का आ गया था, अभी लेटा हुआ था, ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो अब जाके थोड़ा आंखें खुली और अब दोबारा से फिर पकौड़ी खाने का मन हो गया, बट अभी नहीं खाऊंगा, चाय के साथ खाएंगे शाम को, नहीं तो फिर हल्का सा आ जाएगा। एनीवे मौसम खुल चुका है, बारिश बंद हो गई। चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, हमारे यहाँ से क्या क्या चमकता है। तो भाई हमारे यहाँ से चमकते हैं पहाड़ हिमाचल वाले सोलन के, आई थिंक सो, पता नहीं, हम तो नए हैं यहाँ पे, बट व्यू बहुत गजब है, आप देख लीजिए, पूरा मोहाली चंडीगढ़ चमकता है यहाँ से, मस्त व्यू है। तो भाई मैं तो पकौड़ियों की बात कर रहा था और अंदर आके देखा, लोहा लोहा मच रहा है यहाँ तो पूरा, पता नहीं को भाई कारोबार बढ़ा ले तुमने तो अपना बहुत सारा। ये देखिए भाई साहब आज जो है अलमारी की साफ सफाई चल रही है, तो साफ होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा सारा घर। काफी दिन से पेंडिंग था ये काम, तो सोचा है इसको कर लिया जाए। अरे सफाई कर्मचारी दो हो तुम, कितने हो? चाय चुई बता दो टाइम पे, हैं चाय भिजवा दूँ मैं। तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ चाय, अभी दोपहर के जो है 2 बज चुके हैं। आज मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि पकौड़ियों में इतना मन भर गया, थोड़ी सी चाय पी के हम हो जाएंगे ठीक, शाम तक का काम हमारा हो जाएगा और चाय ऑलमोस्ट जो है उबल के तैयार होने वाली है। हमने दिन में साफ करे तो ये ऐसा हो गया, मैं आपको नीचे की रो दिखा देते, पहले बहुत ही ऐसा भरा हुआ था और ये भी हो गया, और जो मेरा स्कूल का है ये वाली डोर है, और पापा यहाँ पर काम कर रहे हैं अपने। हेलो और सारा साफ हो गया यहाँ से, पहले आपने देखा होगा कितना से गंदा हो रहा था, तो अब साफ हो गया। आपको एक बात बताना चाहती थी, यहाँ पर देखो कितने सारे पार्ट दिख रहे हैं, पहले बहुत ही अच्छे से दिख रहे थे सारी जगह, अब धूप आ गया इसलिए नहीं दिख रहे, वैसे धूप से अच्छे दिखते पर इतने नहीं दिख रहे, वहाँ पर बादल आ गए और यहाँ पर हर टाइम ये डेली आकर कुछ डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पर हम अभी और यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर वो है, और आशा करें आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।